व्हाट्स अप गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज है डे टू गोकर्णा में और वो है हम लोगों का वहाँ पे स्टे। तो विस्की को आज यहीं छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इवनिंग में तो कल परेशान ही कर दिया था। एंड बीच पे जो डॉग्स रहते हैं वो ज़्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रूम 101 106 हम लोगों का है 105। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्विमिंग पूल। अभी निकलेंगे यहाँ से, आज का प्लान है 1.2 किलोमीटर्स पे जो ओम बीच है वहाँ विज़िट करेंगे। एंड जो इस रिज़ॉर्ट के बैक साइड में जाके पड़ता है वो है कुडले बीच, वो हम लोग ऑलरेडी इवनिंग में जा चुके हैं। यहाँ पे इधर पे कार पार्किंग रहता है, इधर पे रिसेप्शन, बाइक पार्किंग, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है ये रिज़ॉर्ट। थोड़ा सा हाइट से नीचे आके देन जब बीच लेवल पे आते हैं तब पड़ता है ये रिज़ॉर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ओम लिखा हुआ है, ये आई थिंक टेम्पल है क्या? ओके, आते टाइम में आते हैं। वेलकम टू ओम बीच। यहाँ से जो है वो रास्ता है नीचे जाने का, तो आई होप ये वाला बीच, होप क्या, वैसे तो अच्छा ही है ये, तभी गोकर्णा फेमस ही इस बीच की वजह से है क्योंकि इस बीच पे ओम बनता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं सनराइज़ उस साइड से होता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर व्यू नहीं आ पाता है। जो सनसेट का है, सनसेट का ही आई थिंक जो इस साइड में आपको सी दिख रहा होगा उसका आएगा व्यू। तो शाम में फिश देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे भी मिलेगा। तो अच्छा किया विस्की को छोड़ के आ गए क्योंकि इधर पे अगर लेके आते तो यहाँ पे बीच में जो भी डॉग्स हैं वो सारे भौंक पड़ते हैं। कल तो एक ने पकड़ भी लिया था विस्की को। बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है यार, तो ये पूरा रॉक्स और उसकी वजह से ना और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। आ जाओ आगे चलते हैं। अरे ये पत्थर कैसा अलग सा है, एक्वेरियम वाले यही पत्थर हैं। हाँ, इधर से ही तोड़ के लेके जाते हैं लोग, उधर पे महंगा महंगा बेचते हैं, इधर फ्री में बट रहे हैं। नो स्विमिंग अलाउड। ओके, स्विमिंग अलाउड नहीं है आई थिंक, ये ज़्यादा रफ है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो पानी का फ्लो है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे तो फोटो भी खींचने में मज़ा आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ना तो पता लगेगा कि इस साइड से
सो गाइस, सो अभी हम लोग आए थे नमस्ते कैफ़े, जो कि यहाँ का फेमस कैफ़े है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो वही सेम गोवा से, मतलब सॉरी गोवा चढ़ रहा है मेरे दिमाग में, इधर से गोकर्णा बीच से जो ओम बीच है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। तो अभी तो अभी एक्चुअली थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा ना टाइम, गर्मी बढ़ जाएगा तो जगह घूम नहीं पाएंगे, मज़ा कम आएगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी। जो यहाँ से रास्ता देखोगे आप, छोटा सा पैसेज है जो कुडले बीच चला जाता है, और तो ये है हम लोगों का स्टे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिर्जन फोर्ट। ये था आतिगामिया रिजॉर्ट से ऑलमोस्ट कितना 26 किलोमीटर्स, मेन हाईवे से कनेक्ट होके ये पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा है, लोकेशन तो अच्छी है एक ड्रोन शॉट के लिए भी। तो डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं, यहाँ पे वीडियो बिल्कुल नहीं करना, आप नॉर्मल कैमरा से फोटो लेना चाहते हैं हाँ। ले लो, नो प्रॉब्लम, डीएसएलआर से फोटो ले सकते हैं ना। देखो वही बोल रहा हूँ आपको, नॉर्मल आपके लिए 10-12 फोटो चाहिए हाँ। ले लो, पूरा ये नहीं करना। और सो अभी यहाँ पे ड्रोन शॉट्स तो अलाउड नहीं थे, तो मैंने जस्ट DSLR से फ़ोटोज़ क्लिक किए जो कि अलाउड था, और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशल्स भी बैठे हुए थे तो उन्होंने मना किया स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, कोई बात नहीं। बट लोकेशन बहुत अच्छी है एंड वर्थ है उतना 26 किलोमीटर्स ट्रैवल करना। और यहाँ पे अभी शॉप से नारियल पानी पी रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी बॉडी। नारियल पानी पी लिया भाई, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। एंड अभी प्लान था हम लोगों का पैराडाइज बीच जाने का, बट अभी देखते हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड ह्यूमिडिटी की वजह से और ज़्यादा लग रहा है। यहाँ से जो भी हाईवे है मतलब अल्टीमेट स्मूथ है, इतना तो अच्छा मेरे को गोकर्ण आते टाइम में नहीं मिला। ये वाला जाता है आई थिंक मुर्डेश्वर साइड में, इतनी अच्छी सड़क तो हमें बैंगलोर की सिटी में सड़क अच्छी है बट अपने घर के आगे नहीं है। हम लोग पैराडाइज बीच जा रहे हैं जो कि है ऑलमोस्ट पास में ही है, बट थोड़ा सा रोड घूम के है, आई थिंक वो सेम बीच का ही दूसरा साइड है। पैराडाइज बीच का रास्ता जो है बिल्कुल सी के पास से होते हुए जाता है, ये जो है वही सेम सी है, ओ बड़ा कितना यही वाला बोट था ना जो ऐसे कल लाइट जल रहा था जिसमें जो अंदर मेन सी में जो घूम रहे थे हाँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पैराडाइज बीच, तो पत्थर साइड का पूरा लगा रखा है यहाँ पे, जस्ट लाइक वो मुंबई में जैसे दे रखा है ना, जैसे मुंबई में दे रखा है हाँ वही अच्छा है यहाँ पे। बट जो सी है काफ़ी रफ है, और यहाँ पे देखो स्विमिंग करने तो बिल्कुल ही लायक नहीं है, बंदा बह जाएगा। तो कुछ तो बोल रहे थे वहाँ से आपको अगर दिखेगा जो छोटा सा हिल है उधर से क्रॉस करके बोल रहे थे कि कुछ ट्रैक करके जाना पड़ता है, बट पूरा पानी उधर से बीच में नाले वाला आ रहा है और पुल भी बह गया नाले वाले और पुल भी और पुल भी बह गया है नाले के साथ में, तो एक्चुअली वो पता नहीं किस कहाँ से लोकेशन है, मे बी हम लोग गलत लोकेशन पे आ गए हैं। बट पैराडाइज बीच जब डाला था तो यही वाला था, और तो बाकी कोई सा बीच दिखा नहीं रहा। ये है हम लोगों का आज का लंच, खाओ खाओ, व्लॉग तो खाते खाते भी बन सकते हैं।
पराठा और पनीर बटर मसाला और यहाँ पे बिरयानी। तो मैं जब भी कभी बाहर जाता हूँ प्रेफर हमेशा कुछ नॉन वेज ही करता हूँ, क्योंकि हार्डली डिफरेंस है प्राइस वाइज भी, एंड आई एम चिकन लवर। गर्म है बहुत ज़्यादा।